सारे देश भर के गृहमंत्रियों के साथ में देश के गृहमंत्री ने दो दिन तक मंथन किया है और छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू उस मीटिंग से लौट आए हैं। लौट कर आने के बाद उन्होंने बताया कि पुलिस के आधुनिकीकरण की मंशा केंद्र सरकार की है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की है, लेकिन केंद्र सरकार ने आधुनिकीकरण की राशि कम दी है, इसमें वृद्धि करनी चाहिए। पड़ोसी राज्यों से छत्तीसगढ़ में नशे का सामान आता है। उदाहरण देते हुए कहा कि 3 साल के भीतर 1,00,000 किलो गांजा जब्त हुआ है। कोऑर्डिनेशन बढ़ाने को लेकर बातचीत की है, साथ ही जो कल से अभी तक लगातार पुलिसिंग को लेकर कई तरह की चर्चाएं अटकलें हैं, परिवर्तन की चर्चाएं हैं, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, बताएं गृह मंत्री लौट आए हैं, क्या बताया उन्होंने मीटिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए पुनीत, दो देशीय बैठक थी राष्ट्रीय चिंतन शिविर, जिसमें गृह मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने बैठक ली थी, जिसमें सभी राज्यों के गृह मंत्री शामिल थे और छत्तीसगढ़ से ताम्रध्वज साहू जो गृह मंत्री हैं वो शामिल थे। और आज वे लौटे हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने जो है एक आंकड़ा पेश किया है कि छत्तीसगढ़ को 2013 और 14 में पुलिस आधुनिकीकरण के लिए केंद्र से 50 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन वर्तमान में यह राशि 20 करोड़ रुपया हो गई है, अर्थात 30 करोड़ रुपए से भी कम जो है ये राशि मिल रही है। इसी तरीके से उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार जो है अभी छत्तीसगढ़ की सरकार को पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए इस जो बजट है उसमें वृद्धि करे, ताकि जो है यहाँ पर और बेहतर जो बेहतर पुलिस परफॉर्मिंग है वो हो सके। इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि पड़ोसी राज्यों से छत्तीसगढ़ में नशे का सामान आता है और 3 वर्ष में 1,00,000 किलो से अधिक गांजा की जब्ती हुई है, ये भी उन्होंने जानकारी दी है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों उड़ीसा और जो अन्य राज्य है, जो बॉर्डर से लगे राज्य, जहां पर ये जो कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के नेता है, वो लगातार आरोप लगाते हैं कि बॉर्डर वाले राज्यों में जो है सबसे ज्यादा गांजा की बिक्री हो रही है और जो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के माध्यम से जो है यहाँ से निकलता है, इस पर रोक लगाई जाए, बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए। और आपको मालूम होगा कि लगातार कार्रवाई भी हो रही है, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर पुलिस विभाग लगातार ऐसी कार्रवाई भी कर रही है, जिसके कारण ये सफलता मिल रही है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जो है आंतरिक सुरक्षा के मामलों पर भी जो है उन्होंने कहा है कि हमारी ओर से जो बात हमने छत्तीसगढ़ की ओर से, खासकर नक्सलवाद का मुद्दा है, उस पर हमने जो है विस्तारित ढंग से रखा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने आरोप लगाया सीधे तौर पर कि 2013 और 14 में, आपको याद होगा कि 2013-14 में भाजपा की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तब उनको ज्यादा राशि मिलती थी और वर्तमान में जो है केवल 20 करोड़ रुपए की राशि मिल रही है। ऐसे में बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था और करने के लिए उनको राशि चाहिए। इसके अलावा सारे देश में एक जो वन नेशन वन यूनिफॉर्म को लेकर चर्चा चल पड़ी है, प्रधानमंत्री जी ने जो मंशा व्यक्त की है, क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया उन्होंने दी? बिल्कुल, देखिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म, इस पर कल जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है उसको ही गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है। लेकिन जहां तक आंतरिक सुरक्षा की बात है तो वही बात जो है, जो बात मुख्यमंत्री कह रहे थे वही बात गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी कही है। जी बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, इस पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। तो गृहमंत्री ने लौटकर एक बात दोहराई कि 2013-14 से अब तक जो पुलिस आधुनिकीकरण का बजट था आधे से कम रह गया।